हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं आशीष। और चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि पवनदीप राजन का जो सॉन्ग है याद, उसे कितना प्यार मिल रहा है। मतलब आपको मालूम पड़ ही चुका होगा कि 10 लाख यानी 1 मिलियन का आंकड़ा तो वो छू चुका है गाना। सडनली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रही हैं। पवनदीप से वैसे भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग, और गाना भी उतना ही सुमधुर है। बहुत बहुत ही सुंदर गाना है याद, लिखा भी उतने ही सिंपल वर्ड्स में है, तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसी बात कही जाए और याद को एक बार फिर से याद कर लिया जाए। ये गाना बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया है। मतलब वैसे तो सब गाने पसंद आते हैं, लेकिन ये वाला गाना स्पेशली मैं अभी इसकी बात करना चाह रही हूँ। स्टोरी चूंकि कुछ इस तरीके की है। सो फ्रेंड्स, जो याद इसका BTS आया है वो 35,000 लोग देख चुके हैं, 35K लोग देख चुके हैं। याद जो हिंदी है उसे 10 लाख यानी 1 मिलियन लोग देख चुके हैं। वहीं जब टीजर आया था इसका तो 40,000 लोग, 40-40K ऑलरेडी इसे देख चुके हैं लोग। ओके, अब मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ आपको। पहाड़ी वर्जन जब आया था इसका, एक्चुअल जो वर्जन हम लोगों के सामने पहले आया था उसकी बात करती हूँ। इसके BTS को 73K यानी कि 73,000 लोग देख चुके हैं। उसके बाद लिरिकल को 58,000 लोग यानी कि 58K लोग देख चुके हैं। मेन जो याद सॉन्ग मेन जो है जो लोगों के सामने आया था उसे 42 लाख यानी कि 4 मिलियन से ज्यादा बोल दीजिए, इतने लोग ऑलरेडी देखकर उसका मजा ले चुके हैं, उस गाने में गुम हो चुके हैं। ओके, और जब इसका टीजर भी आया था तब भी उसको भी उतना ही प्यार मिला था। 46K यानी कि 46,000 लोग इसे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये देखते हुए ऐसा लगता है कि याद ना बड़े लंबे दिनों तक याद रहने वाला गाना है। और याद ही क्यों, बहुत सारे हैं यार। पागोला फागुन की मैं बात कर लूं, मुझे बहुत पसंद आता है। या फिर सावन दे है, देन हिमेश रेशमिया के जितने सॉन्ग हैं मुझे उसमें भी बड़े सुंदर सुंदर से सॉन्ग्स आए हैं यार पवन के, आप भूल ही नहीं सकते हैं। और हाल ही में एक काली ग्वाला भी मेरे कानों में एकदम गूंजता रहता है। मुझे आई लव ऑल दोस सॉन्ग्स, एंड आई एम श्योर मेरी जैसी हालत आपकी भी होगी ही, आपके भी सॉन्ग लिस्ट में ये सारे गाने आ ही जाते हैं, चाहे वो मुझे फुर्सत ही नहीं वाला गाना हो या कोई भी गाना हो फॉर दैट मैटर। सो फ्रेंड्स, होता क्या है जब ये वाले गाने आते हैं तो कई बार ना मैंने सूरज के लाइव में जब वो अलग अलग जगह पर परफॉर्म करते हैं पवनदीप, यानी सिर्फ पवनदीप नहीं अरुणिता भी है, साथ ही साइली भी है, या फिर दानिश है, या फिर षणमुख आशीष और निहाल तौरो भी हैं, जब सभी लोग परफॉर्म करते हैं तो मजा तो आता है, पुराने इंडियन आइडल के दिनों की याद भी आ जाती है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि लोग चाहते हैं कि पवन और अरुणिता जो है उनके गाने जो उन्होंने खुद ने गाए हुए हैं वो भी गाएं, और सर्टनली वो ये भी चाहते हैं कि पवन का खुद का कंपोजिशन वाला और पवन के खुद के गाए ये वाले गाने पूरी दुनिया में लोगों को वो सुनाए। तो ऐसे में मेरी जब मुलाकात हुई थी पवन से तो यही बात मैंने पवन से पूछने की कोशिश की कि भाई आपके जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि आपके अपने गाने खुद गुनगुनाए गाए, और इंटरनेशनली ऑडियंस जो है आपके दर्शक जो है उन पर भी इन गानों की बरसात होनी चाहिए। तब उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर जवाब दिया। पहले तो वो जवाब क्या दिया ये देख लीजिए। अपना गाना हम लोग अभी एक बैंड रिहर्सल करने वाले हैं 20-25 दिन की, और जिसमें हम लोग पूरे गाने डिजाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए रुके हुए थे। मैं चाह रहा था कि अपने गाने में प्रेजेंट करूं तो बहुत अच्छे डिजाइन करके करूं, और उसके लिए मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए हो रहा है, जो कि 20 दिन का इकट्ठे समय अशोक की वजह से नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो वो 20-25 दिन का जब इकट्ठा समय मिलेगा तो मैं उनको अच्छे से डिजाइन करके उसकी सारी गानों की सेटिंग बिठा के कॉर्ड्स चार्ट वगैरह बना तो मैं अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि काश ऐसा हो कि अब पवनदीप को ना थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए तो वो थोड़ा सा ठंड रखेंगे और नया शो जो है वो डिजाइन कर पाएंगे और उस सारे गानों को वो इंक्लूड कर पाएंगे जिसे सुन सुनकर हमारे दिन बीतते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन वो शो कितना खूबसूरत होगा जिसमें कि पवन की खुद की बनाई हुई धुने होंगी, उनके गाने होंगे, अरुणिता का साथ होगा, और साथ ही बहुत सुंदर सुंदर जो डुएट उनके हुए हैं, सोलो उनके जो हुए हैं वो सुनना मिल जाए तो क्या बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए, ये पूरी इंफॉर्मेशन जान के आपको कैसा लगा? जय हिंद।